दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन रेलवेज। बुद्धा के हिसाब से हमारे तीन रिस्पॉन्सेज होते हैं उस हर एक्सपीरियंस के जो हम करते हैं। हमको वो चाहिए होता है, हम वो रिजेक्ट कर देते हैं या हम जोन आउट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये बुद्धा ने नहीं दिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हम टीवी देख रहे हैं, शिल्पा शेट्टी योगा करती हुई, ये कितनी सुंदर है, ये हमको चाहिए। बाबा रामदेव योगा करता हुआ, इसकी मैगी बहुत बेकार थी। रामदेव का दावा है कि इस मैगी को शुद्ध आटे से बनाया गया है। अब ये चाहे फायदे की बात कर रहा है पर मेरे को नहीं सुननी, हम रिजेक्ट कर देते हैं। करो लंबा भरो। बस शिल्पा शेट्टी या बाबा रामदेव योगा के बारे में बताते हुए हमें लग रहा है हम सब कुछ देख सुन रहे हैं पर हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है। मैन, ये अभी भी यूपी बिहार लूट सकती है, ये बाबा चोर है पूरा, इसके नूडल से अच्छा मैं मैगी में खुद ऊपर से लेड डालकर खा लूं। करो लंबा भरो। हम जोन आउट हो जाते हैं। मेडिटेशन देती है हमको फोर्थ ऑप्शन, चीजों को उसी तरह महसूस करना जैसे वो है। एक सुंदर औरत योगा करती हुई, एक बालों वाला आदमी योगा करता हुआ, एक सुंदर औरत और बालों वाला आदमी योगा के बारे में बताते हुए। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दादे, चैनल का नाम है आर यू इन द स्टोरी, और आज की कहानी है ध्यान मेडिटेशन की। मेडिटेशन कई तरह की होती है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये सबसे फेमस है और सेक्युलर है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें हम एक जगह बैठते हैं आंखें बंद करके और फिर सांसों को अंदर बाहर जाते हुए ऑब्जर्व करते हैं। धीरे धीरे दिमाग ख्याल इधर उधर जाते हैं दिल वालों के दिल का करा। और हम दोबारा उन्हें सांसों पर वापस लाते हैं। बस ये अपने ध्यान को सांसों पर वापस लाना ही विपासना या माइंडफुल मेडिटेशन है। इसको बहुत ज्यादा मिस्टिकल चीज बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे डंबल बार बार उठाते हैं वो मुश्किल लगता है, फिर हमारी बॉडी मसल बनाती है और एक टाइम आता है जब डंबल उठाना इजी हो जाता है। इसी तरह मेडिटेशन में ध्यान बार बार सांस पर लाना मुश्किल होता है पर इवेंचुअली टाइम के साथ ये आसान हो जाता है। ये नकली गुरु लोग डरा के रखते हैं कि बिना एक्सपर्ट के शुरू ना करें वरना इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। इन्होंने हजारों लाखों के कोर्सेज बना रखे हैं अजीबोगरीब नाम से, मेडिटेशन के वो कौन खरीदेगा। वैसे किसी गुरु के खिलाफ नहीं हूँ मैं, बहुत सारे असली हैं जिनको सच में पता है, जो हमको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। पर बहुत सारे सेल्समैन भी हैं जिनका मकसद सच ढूंढना नहीं सिर्फ पैसा कमाना है। अच्छा सोचो, बुद्धा के पास पैसा पावर सब कुछ थे, उन्हें सब छोड़ना पड़ा सच की तलाश के लिए। और आजकल के बाबाओं के पास बाबागिरी से पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फक्कड़ थे। उनको पैसा पावर सब मिला बाबा बनने के बाद। दोनों में फर्क देख रहे हो? बस इसलिए मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ किसी को अंधों की तरह फॉलो करने में। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और तुमको भी होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन में वैसे भी एक बिगिनर्स माइंड के साथ शुरू करने के लिए कहते हैं। पिकासो कहते हैं, मुझे 4 साल लगे रफेल की तरह पेंट करने में और फिर जिंदगी लग गई दोबारा बच्चे की तरह पेंट करने में। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तब संभावनाओं से भरे होते हैं। एक छोटा बच्चा चाय वाले से लेकर पीएम तक कुछ भी बन सकता है लेकिन जैसे जैसे हम कुछ सीखने लगते हैं हमारी संभावनाएं बढ़ने की बजाय कम होने लगती है। मेडिटेशन का मकसद वही शुरुआती दौर में पहुंचना है, चीजों को भूलना सीखना है, लर्निंग द अनलर्निंग, ज्ञान लेने की बजाय उसे खोजना। हम सब कुछ पहले से जानते हैं बस किसी और के मुंह से सुनना चाहते हैं। तुमको पता है एक्सरसाइज अच्छी होती है, सही प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, सक्सेस के लिए काम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, पर फिर भी हम पढ़ते रहते हैं सेल्फ हेल्प की किताबें, देखते रहते हैं मोटिवेशनल वीडियो कि बस एक और ऐसा सीक्रेट मिल जाए उसके बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बुद्धा ने कहा है, लाइफ इज सफरिंग, जीवन दुख है क्योंकि जीवन में आकांक्षाएं हैं। अगर मेडिटेशन इन आकांक्षाओं से छुटकारा पाने के लिए की जाए तो आकांक्षाओं से छुटकारा भी अपने आप में एक आकांक्षा बन जाती है। हम ध्यान बुद्धा बनने के लिए शुरू नहीं करते, हम ध्यान शुरू करते हैं ये सोचकर कि हम पहले से ही बुद्धा हैं। चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सू ने कहा है, अगर तुम दुखी हो तो तुम बीते कल में जी रहे हो, अगर तुम बेचैन हो तो तुम आने वाले कल में जी रहे हो, अगर तुम शांति में हो तो तुम आज में जी रहे हो। ये बात मेरे ऊपर पूरी तरह से लागू होती है। मैं हमेशा कल की चिंता में ही रहता हूँ, हमेशा एक काम करते हुए मेरा दिमाग इससे अगले काम पर रहता है,
जिस भी जगह जी रहा हूँ वहाँ से आगे निकलने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है मैं जी नहीं रहा, बस भाग रहा हूँ और सब पीछे छूटा जा रहा है। मुझे मानो इंतज़ार है एक दिन का जब मैं आराम से जी पाऊँगा। वो दिन कभी नहीं आया और वो दिन कभी आए भी ना, क्योंकि हर रोज़ ही है वो दिन जब मैं जी सकता हूँ पूरी तरह। किसी भी चीज़ का एडिक्शन वो आज के खालीपन को भरना ही तो है, चाहे शराब हो, वीडियो गेम हो या पॉर्न। ये सब रास्ते हैं हमको हमारे से दूर ले जाने के। मेडिटेशन हमको अभी में लेकर आती है, जब हम बार बार अपना ध्यान अपनी सांस में लगाते हैं। यहाँ ना बीते कल की बुरी यादें हैं, ना आने वाले कल का डर। मैं बस आज में हूँ जो भी हूँ, ना पहले की हुई गलतियाँ हूँ, ना आने वाले हादसे हूँ। मैं सिर्फ मैं हूँ, मुझे बताया नहीं जा सकता। जिसे बताया जा सकता है वो मेरी ईगो है, मैं नहीं। और मैं ये सांस भी नहीं हूँ, ये भी बदलती रहती है, सब कुछ बदलता रहता है। दुनिया में बदलाव के अलावा कुछ सच नहीं है। खुद को बेहतर करना भी तो एक तरह से अपने को बदलना ही है। अगर मैं एक बल्ला खींच कर तुम्हारे सर पे मारूं कि तुम्हारा दिमाग हिल जाए, तो तुम वो नहीं रहोगे जो तुम अब तक थे। इसी तरह कॉमा से निकला हुआ इंसान भी बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि कॉमा के वक्त उसके दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं और उठने पर उसका हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। वो लिटरली एक अलग इंसान होता है। बल्ला पड़वाना और कॉमा में जाना काफ़ी फन लगते हैं, मगर बिना ऐसे एक्सट्रीम में जाए अपने को बदलने का एक तरीका है ध्यान। वैसे अगर चाहो तो मैं बल्ला खुद घर आके मार सकता हूँ फ्री में, बस अपना एड्रेस ईमेल करना है मेरे को। ध्यान भले ही एक्सरसाइज और नींद की तरह सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं लगता। जैसे 1950 में अगर तुम भागते तो किसी को ये समझ नहीं आता कि तुम क्यों भाग रहे हो, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है। इसी तरह आज मेडिटेशन को ऐसे देखा जाता है जैसे साधु महाराजाओं के करने की चीज़ है। अगले 50 सालों में ये बदलने वाला है। मेडिटेशन वो एक्स फैक्टर है जिसकी हमको तलाश रहती है हर वक्त उस नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। सिलिकॉन वैली, जहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक के हेडक्वार्टर्स हैं, जहां दुनिया को बदलने की, नए आइडियाज़ की बात चलती है, ऐसी जगह पर साधु महाराजों की मेडिटेशन का कोई काम नज़र नहीं आता। पर वहां के सीईओज और एंटरप्रेन्योर्स के बीच ये काफ़ी मशहूर है। कॉफ़ी की तरह ही अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए वहां के ज़्यादातर लोग मेडिटेशन किया करते हैं। डायरेक्टर डेविड लिंच कहते हैं, अगर मान लो तुम्हारी चेतना गोल्फ बॉल जितनी है और तुम बुक पढ़ते हो, तो तुम्हें गोल्फ बॉल जितना ही समझ आएगा। दुनिया गोल्फ बॉल जितनी अवेयरनेस के साथ ही दिखेगी। पर अगर कोई तरीका हो जिससे इस चेतना को बढ़ाया जा सके, तो तुम्हें किताब, दुनिया, सब कुछ पहले से ज्यादा दिखाई, सुनाई और महसूस होगा। मैं ऐसी ही चीजों को खोजने में लगा रहता हूँ। गांजा और साइकेडेलिक ड्रग्स भी जरिया है अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का। जहाँ शराब और सिगरेट हमारी चेतना को दबा देते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो इन्हें और खोल देता है। उस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं जो आम जिंदगी में नहीं किए जा सकते। मैं ड्रग्स को प्रमोट नहीं कर रहा, यहाँ तो इलीगल भी है। LSD, श्रूम और DMT काफी फन लगते हैं, पर ध्यान भी एक जरिया है उस हायर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने का, खुद से बाहर आने का, अपने परेशानियों से बाहर आने का। मैं सोचा करता था ये मेंटल हेल्थ की बातें कमजोर दिमाग वालों की है, मुझे थोड़ी हो सकता है। लोग कुछ ना कुछ गलत करते हैं, न्यूज़ और ख़राब चीज़ों के बारे में सोचते ज़्यादा हैं, बस और कुछ नहीं है। और फिर मैं शिकार हुआ एंग्जाइटी नाम के भेड़िए का। मैन, ऐसा लगता है जैसे खुद को जला भी लो तो भी कम तकलीफ होगी जितनी उस वक्त होती है। जैसे भेड़ियों के शिकार में गिद्ध आ जाते हैं मुँह मारने, उसी तरह डिप्रेशन नाम का गिद्ध आ जाता है एंग्जाइटी नाम के भेड़िए के साथ। तो मरना नहीं चाहते पर ये दोनों जीने भी नहीं देते, और समझ नहीं आता क्या करें, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुम किसी के साथ अपनी दिक्कत शेयर करते हो और वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि देखो हजारों और लोग हैं जिनके साथ इससे भी खराब हुआ है, पर इससे तुम्हारी तकलीफ कम नहीं होती, कम होने की बजाय और बढ़ने लगती है। और अब इस गिल्ट में कि टेक्निकली तुम्हें सब नहीं होना चाहिए, तुम किसी को नहीं बता पाते, और ये डाउनवर्ड स्पाइरल गहरा और गहरा होता चला जाता है। मेरे साथ कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे इससे बाहर निकाला, और मुझे शायद माइल्ड एंग्जाइटी होगी कि मैं इतनी जल्द निकल भी गया, पर इसने मुझे एम्पैथाइज कर दिया उन सब के साथ जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अगर किसी को ऐसी कोई तकलीफ हो तो मैं कहूँगा सबसे पहले किसी प्रोफेशनल की ही मदद लें, उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज सबसे ज़रूरी है। मेरी जेन फिलॉसफी और लाइफस्टाइल ने ही सबसे ज़्यादा मदद की। एक टाइम पर एक चीज़ में ध्यान, एक एक दिन लेकर चलना। अक्सर ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और सब हमेशा ही ऐसा रहने वाला है, पर बदलाव ही एक सच है इस दुनिया का। जैसे खुशी हमेशा नहीं रहती,
वैसे तकलीफ भी हमेशा नहीं रहने वाली। मेडिटेशन लेकर आती है आज में। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ADHD की प्रोफेशनल थेरेपीज में भी मेडिटेशन को जोड़ लिया है। रेगुलर मेडिटेशन से मरीजों की दवाओं की डोज कम हुई और छूटी भी हैं। हमको पता नहीं 10-20 मिनट एक जगह बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देने जैसी सिंपल चीज़ से इतनी कॉम्प्लिकेटेड परेशानियाँ कैसे ठीक हो जाती हैं। अक्सर चीज़ें शायद सिंपल ही होती हैं, हम उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। उसी के लिए सिंपल रूटीन है। सवेरे उठने के साथ ही बेस्ट टाइम है मेडिटेशन का। उस वक्त दिमाग भी फ्रेश होता है और उतने काम भी नहीं होते जितने दिन के साथ आते जाते हैं। सेकंड बेस्ट टाइम है सोने से पहले। एक शांत सी जगह ढूंढकर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। इसके बाद अपने फ़ोन में 10 से 20 मिनट का टाइमर लगाओ और आंखें बंद करके अपनी सांस पर फोकस करो। उसे बाहर और अंदर जाते हुए ऑब्जर्व करना है। अचानक कहीं खुजली होने लगेगी, अचानक हिलने डुलने का मन करने लगेगा, अचानक शिल्पा शेट्टी के बारे में सोचने लगोगे पर ध्यान को उनसे हटाकर अपनी सांस पर लाते रहना है। तुमको महसूस होगा कि ये ख्याल कैसे अपने आप ही आते और चले जाते हैं। ये भी कितने इम्परमानेंट है दुनिया की हर चीज़ की तरह। हम खामखा इन पर रिएक्ट करते रहते हैं। किसी किसी दिन ये आसान होगा, किसी किसी दिन मुश्किल, लेकिन एक दिन ये सब बिल्कुल आसान हो जाएगा। तब ना तो शिल्पा शेट्टी आएगी ना बाबा रामदेव। करो, लंबा भरो। इसमें महीने, साल और जिंदगी भी लग सकती है, पर तुम फिर से पॉइंट मिस कर रहे हो। पॉइंट वहाँ पहुँचना नहीं है, पॉइंट वहाँ हर रोज पहुँचने की कोशिश करना है। एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद और मेडिटेशन, वो मेन तीन आदतें हैं जो जिंदगी में मेजर बदलाव ले आएंगे। आने वाली कहानियों में और ऐसी नई चीज़ों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस एक क्यूरियस बंदा हूँ जो जानना चाहता है। नाउ अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स, भारतीय रेलवेज। मेरे पापा यहाँ काम करते हैं एज अ लोको पायलट, ट्रेन चलाते हैं और मेरा खर्चा भी। 2027 में रिटायर हो जाएंगे। अगर तुम चाहते हो मुझे असली स्पॉन्सर मिले तो अपना योगदान दे सकते हो। वीडियो की रीच बढ़वा कर सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कम से कम एक कमेंट ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं, जब तक पापा खर्चा उठा रहे तब तक मसीह।